एम रविंदर गारू जो रीजनल मैनेजर है उनके पास हमने नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर हमारा अब्दुल अजीज नुमाइंदा कॉर्पोरेटर और कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब की रास निगरानी में हम यहाँ पर आकर रीजनल मैनेजर से मुलाकात की, क्योंकि मुलाकात करने का मकसद ये था कि एसबीआई बार्कस का जो ब्रांच है उस ब्रांच में स्टाफ कम था। हमने इमीडिएट स्टाफ को आकर मुलाकात की, वी सैल्यूट टू आवर ऑफिसर, ही टोल्ड हिम मैं खुद उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे इंक्रीज करूंगा, वहाँ पे स्टाफ दूंगा। सेकेंडली हमने और एक उनसे बात की कि सर ये मोहम्मद नगर, जहांगीराबाद, इस्माइल नगर, तुलसी नगर, गौस नगर, मिल्लत नगर, सादात नगर, ओएसी, नूरी नगर, हुसैन नगर, ये तमाम जगहों पे जो है वहां के रेसिडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको एसबीआई का बैंक कोई खरीद नहीं है। तो सार ने कहा कि इंशाल्लाह मैं न्यू ओपन करूंगा एक ब्रांच वहां पर, इमीडिएटली कैलेंडर में रख रहा हूं, जैसे ही हमारे ऑफिसर्स को बोलकर वहां पे जो है ना विजिट करा के वहां पे जो भी पॉसिबिलिटी अच्छे से काम करूंगा, जिसके लिए तह दिल से हमारे हरदिल अजीज रविंदर सर का और खत सर चीफ ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर असद भाई का दिल की गहराइयों से, रामकृष्ण सर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जाफर जमील साहब, वली जमील साहब, सालम बेगैनी साहब, सैयद हाजी साहब, हसन भाई कसेरी साहब, अहमद भाई कसादी साहब, यूनुस भाई विनायत साहब भी मौजूद थे और इन सब ने रीजनल मैनेजर एम रविंदर सर का शुक्रिया अदा किया।